Good morning, students. How's you all? I hope you all are doing well. So today we will start our first class of maths with chapter number 4, addition. तो आज हम करेंगे addition, जो कि आप अपनी previous class में भी पढ़ते हुए आए होंगे. तो मैं आज सबसे पहले कुछ easy sum से start करूँगी और आपके book की जो exercise है, आपके book की exercise page number 28 पर question number 1 का first question में ले रही हूँ, उससे हम start करते हैं. जिसमें कि आपको ऐड करने को बोला गया है. '87 और '24 को आपको ऐड करने के लिए बोला गया है. तो आप इजीली इसे ऐड कर सकते हैं. और इसके अलावा ये जो टी और ओ लिखा गया है, ये इनकी क्या है? प्लेस वैल्यू. ये कौन सी जगह पर एग्जिस्ट करते हैं? जैसे ओ का मतलब होता है आपका वंस और टी का मतलब होता है टेंस. ये वंस प्लेस पर होंगे आपके 7 और 4 और टेंस होगा आप और 8 और 2 होंगे आपके टेंस प्लेस पर. अब आप इनको ऐड करेंगे. 7 प्लस 4 कितना होगा? हम जैसे कि अगर सिंपल मार्क्स से लें, इस तरीके से हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 4 और अगर हम इसमें ऐड करें तो 7 1 2 3 4 इस तरीके से हम लेते हैं. अब इसे काउंट करें तो टोटल कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो हमारा टोटल कितना आया? 11. 7 प्लस 4 को अगर हमने काउंट किया तो हमारा टोटल कितना बना? 11. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इधर 1 लिखेंगे और जो बाकी का जो 1 है ये वाला, ये कहाँ जाएगा? ऊपर कैरी होगा. अब क्या हुआ? अब हम अभी तक 8 और 2 था, इसके साथ साथ हम इस 1 को भी ऐड करेंगे. तो हम ऐड करें 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हमारे 8 टैली मार्क्स हो गए. उसके बाद 1 2 और आपका ये 1. अब आप इसका टोटल काउंट करें कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11. तो हमारा आंसर क्या हो गया? 111. इस तरीके से हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं. अभी तक एडिशन करते हुए आए हैं. ये आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया है. क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड आप खुद करेंगे. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें क्या बोला जा रहा है? हमें ऐड करना है. और इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है 86 एंड 198. दिस इज योर क्वेश्चन. अब हम इसका जब एडिशन करेंगे तो हमेशा एडिशन करते टाइम हम जो ज़्यादा डिजिट वाली जो संख्या होती है उसे हम क्या करते हैं? उस नंबर को हम ऊपर उतारते हैं. यानी कि 86 में देखिए कितनी डिजिट है? 2. एंड 198 में कितनी है? 3. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 198 को नोट डाउन करेंगे. 1, 9 और 8. और इसी के नीचे कॉलम फॉर्म में हम पीछे से स्टार्ट करेंगे 86 से. तो 6 आएगा इधर और 8 आएगा इधर. अब आप सिंपली इसे ऐड कर सकते हैं. अब हमारा कॉलम फॉर्म में आ गया तो अब हम इसे ऐड कर सकते हैं. 8 एंड 6 करेंगे आप वही सेम पैटर्न से. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6. इस तरीके से अब टोटल काउंट कर लीजिए कितना होगा. ये तो थे आपके 8, देन 9, 10, 11, 12, 13, 14. कितना हुआ मेरा? 14, जिसमें से आपका 4 कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ पर. और ये जो आपका 1 था ये कहाँ हो जाएगा? कैरी, आगे ऊपर कैरी फॉरवर्ड होगा. अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे. 1 प्लस 9 प्लस 8. जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल आपका बनता है 18. इन तीनों को ऐड करने पर आएगा आपका 18. आप सॉल्व कर लीजिएगा, जिसमें कि आप 8 इधर नोट डाउन करेंगे और ये जो आपका 1 है इसे हम इधर आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे. और 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका? 2. सो दिस इज माय आंसर. तो इस फॉर्म में भी अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसे कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था. सेकंड थर्ड आप खुद कर लेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज एट
मेडली, जिसमें आपको बोला गया पहला क्वेश्चन है 400 + 40 = आपको इसका आंसर देना है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अभी मैंने आपको कॉलम फॉर्म में लिखना सिखाया था, इधर हम करें 400 और 40 ऐड करना है प्लस, तो 40। अब आप इजीली ऐड कर सकते हैं, 0 + 0 = 0 होता है, 0 + 4 किसी भी डिजिट को अगर आप 0 के साथ ऐड करेंगे तो वही डिजिट वापस आ जाती है। जैसे अगर मान लीजिए 4 ऊपर होता और 0 नीचे होता तो भी आंसर मेरा क्या रहता, 4। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि 0 कहाँ पर है, अगर किसी भी डिजिट में 0 को ऐड किया जाता है तो वही डिजिट वापस आंसर में लिख दी जाती है। तो ये आ गया 4 और इधर अगेन 4। ये 4 को हमने, इसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, इसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो 4 का 4 नोट डाउन हो जाएगा। सो माई आंसर इज 440। तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले कॉलम फॉर्म में लिखिए, देन इसे ऐड करिए और उसके बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बोला जा रहा है द रिजल्ट ऑफ द डैश इज कॉल्ड द सम, यानी कि किस चीज का रिजल्ट सम आता है। तो हम अगर हम ऐड करेंगे, एडिशन होने पे ही आएगा सम, तो माय आंसर इज एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ एनी डैश एंड 0 इज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि हम किसी भी चीज, किस चीज का ऐड करें और 0 के साथ कि वही नंबर वापस आ जाए। तो मैंने अभी आपको बताया था 0 के साथ जो भी नंबर का एडिशन करोगे, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा आपका नंबर, किसी नंबर का एडिशन करने पर वही नंबर वापस आ जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज डैश इज पुटिंग 2 नंबर्स टुगेदर, दो नंबरों को एक साथ रखने पर क्या होता है हमारा, हम क्या कर रहे होते हैं, एडिशन कर रहे होते हैं। ठीक है, एडिशन इज पुटिंग 2 नंबर्स टुगेदर। तो आपकी थी ये फर्स्ट एक्सरसाइज, तो ये आपको होमवर्क में करना है। थैंक यू।